मैं बता रहा था जब मुझे इनवाइट किया गया था तो एक 1 BHK के फ्लैट में कोई प्रूफ नहीं था। 2001 के अंदर 29 जून 2001 मेरी लाइफ की वो गोल्डन डेट थी जिस दिन मैं भी बैठा था, और मुझे इंसान दिखा रहा था 40 लाख की जगह उन्होंने ये यहां पे 25,000 से मल्टीप्लाई किया 160 को, उन्होंने 20 से किया था 32 लाख दिखाया था। और 2001 में और आज 2000 क्या है, कितने साल हो गए, 18 साल ही ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जून में हो जाएंगे। और 18 साल पहले मुझे इंसान एक 40-32 लाख दिखा रहा है 1 BHK के फ्लैट में, और 8600 रुपया महीना एज ए गवर्नमेंट जॉब में थे एक्साइज एंड टैक्स डिपार्टमेंट में, पंजाब गवर्नमेंट में। और तब आज आपको 2018 में इतना झटका लगा, आप सोचो 2001 में मेरे को क्या झटका लगा होगा। तब इतना पैसा की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, आज हो सकता है मुंबई में 40 लाख बड़ी चीज ना हो, लेकिन आज से 18 साल पहले तो बहुत बड़ी चीज थी। यस या नो? तो मैंने तब सीरियस होकर सुना था, और आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब न्यू गेस्ट को, हम फिजिकली तो बैठे हैं, मेंटली भी यहां रहना, क्योंकि साइंस प्रूव कर चुकी है माइंड एक जगह पे 7 सेकंड से ज्यादा टिकता नहीं है। अगर आपका माइंड यहां पे है, आप फिजिकल भी यहां है, तभी आपके माइंड में बात जाएगी। और अगर फिजिकली यहां पे माइंड कहीं और घूम रहा है ना, आजकल संडे है घूमना होता है, तो कोई मॉल में घूम रहा है, कोई पिज्जा हट में घूम रहा है, तो कोई पता नहीं कहां जू बीच में घूम रहा है, वो वहां पे यहां पे प्रेजेंट रखना, क्योंकि आपके माइंड में बात जाएगी तभी क्लियर होगा। तो मैंने ये रिक्वेस्ट मान ली थी, और जब मुझे बताया गया था तो मैं उनको घूर रहा था, मुझे कहते विश्वास हुआ, मैं कहता बिल्कुल नहीं हुआ। कहते क्यों नहीं हुआ, मैं कहता 32 साल पापा को जॉब करते हो गए, 32 साल मम्मा को, दोनों क्लास 1 ऑफिसर, और दोनों की 32 और 32 64 साल की जॉब हो गई है, मेरे घर में तो आज तक 32 लाख नहीं आया। यस या नो? तो मैं 20,000 कमा रहे, साल का 4.5 लाख आता है, आपने एक घंटे में दिखा दिया, या भी तो एक घंटे में दिखाया। यस या नो? तो आगे से प्यारी सी स्माइल आई, कहते बुल्लर साहब आपके घर में कितने कमाने वाले हैं, तो मैंने बोला 2। कहते जब 2 दिमाग काम करेंगे 4-4.5 लाख ही आएगा। और यहां पे पहले साल ही एक स्लाइड पीछे करना, यहां पे जब 160 यहां पे नेक्स्ट करिए बेटा, नेक्स्ट मतलब आगे, यहां पे पहले साल ही जब उन्होंने बोला 8,000 दिमाग आपके साथ काम करेंगे तो 40 लाख 32 लाख तो आएगा ही आएगा। यस या नो? ये उधर मुझे चीज समझ लगी, टाइम बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ रहा है। यस या नो? मेरे मम्मी पापा 8-10 घंटे काम करते तभी 20,000 मिल रहा है, लेकिन मुझे उस दिन पता चला नाइकी रिबॉक मैकडॉनल्ड अंबानी ये बड़े बड़े टाटा बिरला का काम 24 घंटे नहीं होता, इनका एक दिन में लाखों घंटे काम होता है, और ये अमीर है तभी तो। यस या नो? लेकिन आज हम एक टाइम की वजह से फाउंडेशन की वजह से यहां पे रुक सकते हैं, लेकिन यहां पे हमारी इनकम जो है वो कितनी हो सकती है आपके सामने है। ठीक है बेटा? तो मैं यही चीज समझा, टाइम इज इक्वल टू मनी, तो जब टाइम बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो मुझे जब पता चला वाकई 8,000 जसकीर सिंह गुनर बन जाएंगे ना, तो ये 40 लाख भी कम है। यस या नो? ये थी मेरी सोच थी, लेकिन हमारे पास जो दिखाने वाले हमारा दिमाग में एक आता है जो दिखा रहा है इसको कितना आ रहा है। तो मैंने अपने सीनियर को पूछा सर आपके पास कोई 2200 का चेक है? कहते नहीं है। मैं कहा क्यों नहीं है? कहते अभी तो मैंने ज्वाइन किया है 2 दिन पहले। तो मैं कहा आपका कब आएगा? कहते जब आप 3 लोग जुड़ जाओगे 2200 का चेक भी दिखा दूंगा। वो बात हिट कर गई सच, लेकिन अगली वर्डिंग ने हला के रख दिया। कहते बुल्लर साहब 1 साल वेट करो, 2200 की क्या बात करते हो, मैं आपको 32 लाख रुपया भी दिखाऊंगा। जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे बताओ, मैं स्पोर्ट्समैन था, और मैं आपको बता दूं मैं बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर भी रह चुका हूं, यूनियन भी, और जॉब मेरे लिए ऑफर थी रेलवे पंजाब पुलिस BSF में। मैंने तीनों जॉब नहीं की क्योंकि मैंने एक चीज पढ़ ली थी अपने घर में देख ली थी, ईमानदारी की जॉब करो तो करोड़पति नहीं बन सकते। यस या नो? ये चीज क्लियर थी, तो मैंने तभी जॉब नहीं की थी। मैं फॉर जाऊंगा वो स्टोरी लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे ये 2001 में इंडस्ट्री मिली तो मैं इसके पीछे पड़ गया था, और आज तक अपनी लाइफ चेंज करके पूरी दुनिया को लोगों की लाइफ चेंज कर रहा हूं। लेकिन उनकी वर्डिंग थी सर मैं 32 लाख दिखाऊंगा 1 साल में, तो मैंने मन में एक शेर गुनगुनाया और फिर उनको जवाब दिया, क्योंकि बचपन से मैं पॉजिटिव खुंदक पा लेता और स्पोर्ट्समैन था, चैलेंज एक्सेप्ट करना होता था, और कोच कहता था कभी हार मत मानना, आखिर के पीको सेकंड में भी बाजी पलट सकती है। यस या नो?
तो एक शेर सुनकर मैंने उनको जवाब दिया, तो वो शेर सुनना चाहेंगे? तो आज सुना देता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर क्लैपिंग भी कर देना। कहते खुशी को खुशी मत समझो, गम को गम मत समझो, बढ़ना है आगे, करनी है तरक्की, अपने आप को किसी से कम मत समझो, कोई किसी से कम नहीं। मैंने उनको क्या बोला, आप 32 लाख दिखाएंगे ना तो जसकीरत सिंह भुल्लर भी दिखाएंगे। शुरुआत ऐसे हुई, बिना चेक के सच से हुई, और सच चेहरे से नजर आता है, आंखों से नजर आता है। यस या नो? क्योंकि झूठ का कोई चेहरा नहीं होता। तो आज जिन्होंने आपको पहले एजुकेशन पार्ट दिखाया अंगद प्रजापति जी, और बिजनेस पार्ट रोहित जी दिखाया, इनके जबरदस्त कैबिंग हुई है। ये बच्चे आज आपके सामने अभी अभी सीख रहे हैं, और अगर ये सीखते सिखा सकते हैं तो कल को आप भी सिखा सकते हैं। यस या नो? यहां पे ये नहीं, बहुत बड़े बड़े ट्रेन लीडर जिनको सालों एक्सपीरियंस हो गया है वो आपके आपको कन्विंस करेंगे। ये सिर्फ अभी चंद दिन चलना शुरू हुआ है, वो भी बच्चे आज आपको टीच कर रहे हैं। अगर ये कर सकते हैं तो हम जबरदस्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन मैं क्या सोच रहा था, मुझे 40 लाख का 50% ही आ जाए, कितना होता है? 20 लाख का 50% आ जाए एक साल में, कितना होता है? तो मुझे सच बताना, एक बच्चा 20-25 साल पढ़ता है, बीटेक एमटेक करता है, 20-25 साल पढ़ने के बाद लाखों रुपया लगाने के बाद क्या 20,000 की जॉब की गारंटी है? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। और मैं क्या सोच रहा था, मुझे इसका सिर्फ 10% भी आ जाए, एक साल का 10 लाख रुपया बनता है तो गुड इनकम के वेरी गुड इनकम, तो वेरी गुड क्लबिंग भी तो होनी चाहिए। 10 लाख रुपए छोड़ो, चाहिए छोड़ो 20-10 लाख, मैं कहता छोड़ दो 10 लाख 5 लाख गुड इनकम के वेरी गुड इनकम। अरे मैंने तो 10% सोचा था, 4 लाख का 4 लाख आ जाए, 40,000 लाख का, सिर्फ 40 लाख का 4 लाख आ जाए, और मम्मी पापा 32 साल बाद पहुंचे हैं, उनका बेटा पहले साल वहां पहुंच जाएगा, तो अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। यस या नो? लेकिन हुआ क्या सर, अगर एक का हनुमान जागेगा तो बाकियों का भी तो जागेगा। आग जब जंगल में लगती है ना, तो फिर डाली से डाली पूरे जंगल में पूरी आग एक बहुत बड़ा तूफान बन के निकलती है। यस या नो? तो जब मैंने भी काम करना शुरू किया तो मेरे दिमाग में जब बात पड़ी और मैं मेहनत करने निकला, तो दुनिया में जो हमारी रीत है, किसी को जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मिलती है, वो सबसे प्यारी चीज क्या मिलती है? नेगेटिविटी। यस या नो? टांगे खींचने में तो इंडियन ने पीएचडी की हुई है, कभी देख लेना, कलाई नहीं खींच सकते, टांगे पक्का खींचने। यस या नो? आपको पता केकड़े को पकड़ते हैं जब समुंदर से, तो उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं होता जिस पकड़ में उसको रखते हैं, क्योंकि एक केकड़ा ऊपर जाता है दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच लेता है, जब दूसरा ऊपर जाने लगता तीसरा उसकी टांग खींच लेता है, कभी केकड़े वो केकड़े वाले ड्रम से बाहर आते ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे की टांग खींचने वाला है वहां। तो सेम आप कभी भी क्लास में देखो, कोई बच्चा कहेगा ना इस पर मैं टॉप करूंगा, सारी क्लास कहेंगे बैठ जा आराम से, तेरे खानदान में किया किसी ने? वो बच्चा उसी टाइम चुप, कभी हिम्मत नहीं करता दोबारा, होता कि नहीं होता? लेकिन यही चीज को अगर जो फेस कर गया, जो समझ गए, क्योंकि तो यहां पे पॉजिटिव एटीट्यूड की थिंकिंग चाहिए, पॉजिटिव नॉलेज चाहिए, तो ये काम पूरा हो सकता है। और जब मैंने काम करना शुरू किया तो लोगों को दिखाता था 32 लाख रुपया, एक पास हीरो होंडा सेकंड हैंड मोटरसाइकिल थी, और कई बार ऐसा टाइम भी आया कि बाइक लटा लटा कर भी चलाई, और लटानी क्यों पड़ती है, जिनको पता होगा कभी पेट्रोल खत्म हुआ हो। यस या नो? तो लटाकर भी चलाई है, वो भी दिन थे, और लोगों को 32 लाख दिखाता था, और लोग मेरे को पता क्या बोलते थे, जब घर से निकलता था वाइट शर्ट टाई लगाकर और मैं मीटिंग करने जाता था, कहते वो देखो गुड मॉर्निंग जा रही है, मेरा मोहल्ले में नाम ही गुड मॉर्निंग डाल दिया था, और कहते थे पागल जा रहा है, लोगों को 32 लाख बेच रहा, जेब में 2200 का चेक नहीं है, नीचे हीरो होंडा मोटरसाइकिल है, लोगों को मर्सिडीज बेच रहा है, पागल हो गया, इसका इलाज कराओ। और कुछ ऐसे पागलों की स्टोरी मैंने भी पढ़ रही थी जिनको दुनिया ने पागल बोला था, लेकिन जब वो काम करते थे, न्यूज़पेपर बांट के पढ़ रहे थे, स्टेशन के प्लेटफॉर्म में जाके पढ़ रहे थे, और कहते थे दुनिया को मिसाइल मैन बनूंगा, जिधर से जाऊंगा दुनिया सलूट करेगी, और लोग पता क्या कहते थे, अब्दुल्ला पागल हो गया, लाज कराओ। और अब्दुल्ला कौन थे, हमारे माननीय राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब बात पा जाना,
जिंदगी वो पागलों की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? वो दुनिया की परवाह नहीं करेगा। सिर्फ एक इंसान पेट्रोल पंप पे तेल डालता था और दुनिया को कहता था ऐसे पंप मेरे भी होंगे, जिस गाड़ी में तेल डालता था ऐसी कार आलीशान मेरी भी होगी, और लोग कहते थे पैसे ले जो मत चुरा लेना। क्या बैकी बैकी बातें कर रहा है, लोगों की परवाह नहीं की। आज उसी इंसान के बच्चे इंडिया में नंबर वन रिचेस्ट पर्सन है, और वो कोई और इंसान नहीं था, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी पूरी दुनिया शुरू कर रही थी जब वो इंसान दुनिया से निकला था। क्या था? पागल था। क्या था? ज्यादा समझदार कामयाब नहीं होते आजकल, ज्यादा समझदार तो 20,000 की नौकरी करते हैं। पागल, उनकी सोच पॉजिटिव थी, थिंकिंग पॉजिटिव थी, चाहे वो बिल गेट्स था, चाहे एडिसन था, चाहे कोई भी इंसान वर्ल्ड का चाहे इंडिया का उठा लो, कामयाब इंसान की एक क्वालिफिकेशन सेम मिलेगी, उनका एटीट्यूड नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो आज हमारी तरक्की नेगेटिव से आएगी कि पॉजिटिव से? हमें कोई अच्छी चीज बताए सबसे पहले नेगेटिव देखते, यह हो ही नहीं सकता। अरे ये क्यों नहीं हो सकता पहले वो भी सोच लो। यस या नो? मैथ ऐसा सब्जेक्ट है 100 में से 100% मार्क्स आते हैं, अगर कैलकुलेशन गलत है 100% गलत है, लेकिन 100% कैलकुलेशन सही है, 100% 40 लाख भी सही है। यस या नो? 100% सही है। समझने की बात है। तो मैंने काम शुरू किया, लोग कहते हैं जब 13-32 लाख आएगा तब बात करना, जब तेरी कार आएगी तब बात करना। तब मैं एक बोलता होता था व्हाइट बोर्ड मीटिंग के लिए पीछे बांध के मोटरसाइकिल पे निकलता था और लोगों को कहता था आज 32 लाख मेरी आंखों में देख, अगले साल हाथों में दिखाऊंगा जरूर दिखाऊंगा। और आपको बताने में बड़ी खुशी होती है, जसकीर सिंह बुल्लर की जो पहली ITR फाइल हुई 2003 में, एक साल की व्हाइट इनकम जो मैंने फाइल की है वो ना तो 5 लाख थी, ना वो 10 लाख थी, ना वो 15 लाख थी, ना वो 20 लाख थी, ना वो 25 लाख थी। एक साल की वाइट इनकम 31 लाख रुपीज थी। टू थाउजेंड टू और थ्री की वाइट इनकम 31 लाख रुपीज, गुड इनकम की वेरी गुड इनकम। किसान भी एक बी लगाता है तो 6 महीने तो फसल पकने में लगते हैं। लॉ ऑफ नेचर टाइम प्रोसेस तो होता है कि रातों रात फसल पक जाती है, चाहे गेहूं की चाहे चावल की। ऊपर से कुदरत की मार होती, कभी बाढ़ कभी सूखा, इम्तिहान वहां भी देना पड़ता है। यस या नो? और हम तो चावल गेहूं भी थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो आम की खेती कर रहे हैं। आम का पेड़ बनता है 2-3 साल बाद, फिर साथ पुश्ते खाते कभी आम खत्म नहीं होते, उसी को लाइट अलायंस प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं। हर महीने नहीं काटनी पड़ेगी, हर महीने नहीं पीटनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं 40 लाख पर, मुंबई में 40 लाख छोटा है क्योंकि 40 लाख का घर नहीं आता यहां पे। यस या नो? ये हो सकता है छोटे शहरों में छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में बड़ा लगे। मैं चेन्नई जाता हूं, NCR दिल्ली जाता हूं, हैदराबाद जाता हूं, मैं मुंबई जाता हूं, हर जगह जाता हूं मेट्रो सिटी में, वहां पे कहते बस 40 लाख। और जो कॉलेज के टॉपर बच्चे आयंदा के, चेन्नई के, IIT के, वो बच्चे क्या कहते हैं, सर हमें 40 लाख का तो पैकेज कॉलेज से मिल जाएगा। मैं IITians हूं, मैं यहां से MBA कर रहा हूं, मेरे लिए तो जॉब दरवाजे पे खड़ी है, एक साल का 24 से ऊपर पैकेज तो मिलेगा, लेकिन लाइफ में स्पेशल और क्या मिलेगा? तो फिर उनके लिए एक और भी रिवॉर्ड है, जिनकी सोच बहुत बड़ी है उनके लिए क्या रिवॉर्ड है नेक्स्ट कीजिए, जो आप भी अचीव कर सकते हो। अगर एक साल में 8,000 सेल करते हो आपको 40 लाख तो आएगा ही आएगा, कंपनी की तरफ से आपको बहुत प्यारी सी मर्सिडीज बेंज कार बिल्कुल फ्री मिलेगी। और आपकी टीम करेगी वो भी आपको काउंट होगी, तो काफी तो जबरदस्त होनी चाहिए मर्सिडीज बेंज कार। अब देने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं काम बहुत आसान है, 8,000 सेल मैंने की थी, मेरा 31 लाख रुपये बना था क्योंकि तब 20,000 रुपये कलम का होता था। तो मैंने 8,000 सेल की, तब रिवॉर्ड नहीं थे, नहीं तो मुझे भी फ्री में मिलती। तो फिर क्या सोचते आपने, ली नहीं होगी? मैंने ली, वो भी बात बाद में करूंगा, लेकिन आज ये पॉसिबल है। लेकिन उसके नीचे होंडा सिटी है 180 डे, 6 महीने में सिर्फ कितने 24 लाख, और 24 लाख के लिए कितनी 1200 सेल, और वो भी आपकी नहीं, आपकी टीम की भी आप में काउंट होगी, मतलब टीम सेल है। आपने दो को स्पॉन्सर किया, ईच वन रेफर टू हुआ, लेकिन ए ने बी को किया तो वो टीम सेल होती, कमीशन उतनी बराबर है। समझ रहे मेरी बात?
तो यहाँ पे स्विफ्ट भी है, अल्टो भी है, बहुत कुछ है, ये आपको बच्चे फॉलोअप में बता देंगे। नेक्स्ट करिए, कुछ हायरार्की लेवल है, 50 सेल में सिल्वर बनते हैं नेशनल ट्रिप, गोल्ड बनते हैं नेशनल ट्रिप, फिर प्लेटिनम बनते हैं, फिर रूबी बनते हैं, और उसके लिए कंडीशंस भी है इनकम की, जो जो ये क्वालिफाई करता है इनकम उनको ट्रिप श्रेय मिलते हैं, और ये आपको बच्चे फॉलोअप में बता देंगे। लेकिन एक 50 सेल करके 30,000 रुपया कमाते हैं, तो यहाँ पे बताया होगा रोहित जी ने एक महीने में दो, यहाँ बताया था ना, ईच वन रेफर टू कितना टाइम लिया था, वन मंथ। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल काम ऐसे नहीं हो रहा, सर सच सच बता रहा हूं, जिसको पता है 40 लाख 20 लाख साल का आना है वो एक महीना लेके दो सेल करेगा, सभी का सिर ऐसे है। जिसको समझ आ गया कि एक महीना 29 दिन वेट करेगा कि 30वें दिन करूं, सर यहीं पे बैठे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया और आज खड़े हैं पीछे, और उन्होंने इस सिस्टम में आकर बड़ी जबरदस्त तरीके से काम किया, क्योंकि ये तो एग्जांपल है, हकीकत में काम ऐसे नहीं चल रहा, मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, प्रूफ कर दूंगा हकीकत में काम चल नहीं रहा, उड़ रहा है, जो बच्चे काम कर रहे हैं उड़ा है। और यही मेरे बच्चा है जो चेन्नई से बीटेक कर रहे थे अपने फाइनल ईयर के अंदर, और जिन्होंने काम करना शुरू किया, पहली 50 शेयर ना तो उन्होंने एक महीने में की, मात्र 28 दिन में 50 शेयर करके रिकॉर्ड बनाया, और उनका नाम क्या है, संतोष मौर्या जी, जबरदस्त फोटो है संतोष मौर्या जी, और इन